हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ इज्जत मान मोहतरम हाफिज मोहम्मद सरताज आलम जिनका मौजू है तालीमात गौसे आजम जिनका ताल्लुक है दारुल निजामिया से। हजरात अब इस हाफ दौर में बैठे हुए हैं जिसमें गौसे वरा कॉन्फ्रेंस से बैठे हुए हैं। मैं चाहता हूँ आइए इन्हीं के नाना जान की बारगाह में ले चलता हूँ आपको। जितने लोग हैं अगर यकीनन अपने इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं हाथ उठा के बोले या हुसैन, थोड़ा सा और बेदार हो जाए या हुसैन, दिल से बोले दिल से या हुसैन। इसको वफा खुलूस की तस्वीर है हुसैन, सब्र रजा वकार की तौकीर है हुसैन, सब्र रजा वकार की तौकीर है हुसैन, इसको वफा खुलूस की तस्वीर है हुसैन। इसमें कसम खुदा की ताज्जुब नहीं कोई, काबा अगर कहे कि मेरा पीर है हुसैन, इसमें कसम खुदा की ताज्जुब नहीं कोई, काबा अगर कहे कि मेरा पीर है हुसैन। हजरात में गुजारिश कर रहा हूँ अली जनाब मोहम्मद सरताज आलम से कि वो आए अपनी बेहतरीन गुफ्तगू से हम सामेईन की गुलबदहाल को मंजूर जल्ला फरमाए। सामेईन हजरात अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वलाकिबतु लिलमुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العلي العظيم صدق رسوله النبي المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। बादे तौहीद के मत वालों, शमे रिसालत के परवानों, औलिया उम्मत के जानिसारों, गौसे आज़म के चाहने वालों, खुदा वली नमाज के मानने वालों, अहमद रजा के फैदाइयों, आइए सबसे पहले आका इनामदार मदीने के ताजदार सुनहरी सुनहरी जालियों में आराम फरमाने वाले आका अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में अपने गुलामी का सबूत देते बरनवा से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह नबीअल्लाह हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वह क्या मर्तबा है औस है बाला तेरा, वह क्या मर्तबा है औस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम है आला तेरा, और तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा होश है और लाडला बेटा तेरा। बिरादराने मिल्लत सलामिया, आज मेरी तकरीर का मौजू तालीमात होश आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। बिरादराने मिल्लत सलामिया, मेरे आका हुजूर होश आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पीर कामिल हजरत सैयदना अबू सईद करम और फजल इतना हो गया कि सिर्फ बगदाद ही नहीं बल्कि कर्मोजवार में मशहूर हो गया, और सैयद को तरीकत का उलूम हासिल करने के लिए सिर्फ बगदाद ही नहीं बल्कि दूर दराज के तलबा दूर वो सियाद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास तालीम हासिल करने के लिए आते थे, सिर्फ बगदाद ही नहीं बल्कि दूर दराज के तलबा बच्चा होकर मदरसा निजामिया की जगह तलबा के लिए बैठने के लिए नाकाफी हो जाती थी। हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तलबाओं की भीड़ देखकर बगदाद वालों को तवज्जो किया कि मदरसे की बिल्ली को मारने के लिए बगदाद वालों को तवज्जो दिलाया कि मेरे आका हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मेरे आका हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आवाज पर इशारे आबरू पर बगदाद वालों ने फुफों टेकर हिस्सा लिया, यहाँ तक कि अरब खरीद कर मदरसे में शामिल कर लिया गया। मेरे आका हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 500 250 हिजरी में मदरसे को कुव्वत से आलीशान आलीशान
आपको पैगाम लेने जा रहा हूँ कि मैं जो मदरसे इस्लामिया से सीखा हूँ, मेरे आका हुजरत आदम रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु जब तालीम देते थे तो दूरों दराज के तलबा इल्मे दीन हासिल करने के लिए आते थे। सिर्फ बगदाद ही नहीं बल्कि दूसरे मुल्क से तलबा, दूसरे शहरों से तलबा, देहातों के हजारों तलबा हुजरत आदम रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु तालीम हासिल करने के लिए आते थे। यानी कि तालीम हासिल करने के बाद में जब फारिग होते थे वहाँ पे निकलते थे तो दीने वतन की खिदमत अंजाम दिया करते थे। मेरा आका हुज़ूर आलम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सिलसिले मुद्दत में उलमाए कराम मशाइख़े इज़ाम मुफ्तियाने कराम की एक अज़ीम जमात तैयार फरमा दी। शेख अब्दुल्ला हाई रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि लोग घोड़े की सवारी से चले आ रहे हैं, ऊंट की सवारी से चले आ रहे हैं, और सवारी के गधों पर सवार होकर चले आते थे और जहाँ जगह पाते थे वही खड़े रहते थे। यानी कि मजलिस सवारी की तरह ओल हो जाती थी। मेरे आका हुजूर गौसे आलम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात की मजलिस में दस्तक पर एक आदमी नहीं बल्कि 70,000 सहाबी हाजिर रहते थे। जो मैंने फरमाए कराम से सुना है गौसे आलम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात की मजलिस में बल्कि लाखों का बदला हुआ करता था। गौसे आलम जब तालीम फरमाया करते थे कोई एक आदमी नहीं हाजिर रहता था बल्कि लाखों का बदला हुआ करता था। मेरे आका हुजूर गौसे आलम रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु बात फरमा रहे बात का असर ये होता था इराक के बड़े बड़े उलमा इकराम बड़े बड़े मशाइख इज़ाम मुफ्तियाने इकराम हुजूर गौसे आलम रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु जो बात फरमाते थे तालीम दिया करते थे इराक के बड़े बड़े उलमा इकराम बड़े बड़े मशाइख इज़ाम हमारी कलम के लोग थे हुजूर गौसे आलम रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु की तकरीर कर रहे थे। मेरे गौसे आलम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तकरीर लिखने के लिए बड़े बड़े उलमाए कराम बड़े बड़े मशाइख़े इकराम मुफ्तियाने कराम अपनी कलम की नोक से हुज़ूर गौसे आलम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तकरीर लिखा करते थे। और गौसे आलम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो बात फरमाया करते थे गौसे आलम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तकरीर लिखने के लिए एक आयत नहीं दो आयत नहीं बल्कि 400 आयतें इस्तेमाल की जाती थी। मेरे आका हुजूर गौसे आलम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद का असर ये होता था जब मेरे आका हुजूर गौसे आलम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तालीम दिया करते थे तो उससे बड़े गुनहगार बदकार सियाकार आपके दस्ते मुबारक पर तौबा कर लिया करते थे। यानी जब मेरे आका हुजूर गौसे आलम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये पैगाम लेना चाह रहा हूँ लखनऊ के सुन्नी मुसलमानों अपने दिल के अंदर लक्ष्य कर लेना यहाँ भी कामयाबी मिलेगी कल मैदान में से भी कामयाबी मिलेगी। मेरे आका हुजूर गौसे आलम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद का यह असर होता था तालीम का यह असर होता था जो मैं निज़ामिया से सीखा है अपने आसाजा से सीखा है वो पैगाम आप तक पहुँचा रहा हूँ अपने दिल के अंदर नक्श कर लेना। मेरे आका हुजूर गौसे आलम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद का असर यह होता था कि सैकड़ों गुनहगार बदकार सियाकार आपके दस्ते मुबारक पर तौबा कर लिया करते थे अनेकोकार परहेजगार बन जाया करते थे। हुजूर गौसे आलम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तकरीर का यह असर होता था कि गौसे आलम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब बात फरमाया करते थे कोई बेख्तियार होकर कपड़े फाड़ पाता कोई चीखता और चिल्लाता था और किसी के दिल पर ऐसी चोट लगती थी कि शमशीर मोहब्बत से घायल हो जाया था। हुज़ूर गौसे आलम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब बात फरमाया करते थे बहुत मौत की नींद सो जाया करते थे। हुज़ूर गौसे आलम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जब वाद मुकम्मल होता था वाद खत्म होता था तो सैकड़ों कितने जनाजे उठाए जाए करते थे और हुजूर गौसे आलम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वाद का ये असर होता था क्या हुजूर गौसे आलम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वाद की मजलिस से सिर्फ मुसलमान ही नहीं
बल्कि गैर मजहब के लोग भी हाजिर रहते थे, गैर फ्रीचर के लोग भी हाजिर रहते थे। मेरे आका हुजूर से आलम रजी अल्लाह तआला अन्हु का यह बात का यह असर होता था, बहुत से यहूदी, बहुत से ईसाई, गैर फ्रीचर के लोग और दूसरे काफिर हुजूर गौस से आलम रजी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पर कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए करते थे। यानी मेरे मुंह से आलम के बाद का यह असर था, तालीम का यह असर था कि बहुत से यहूदी, बहुत से ईसाई, गैर फ्रीके के लोग आपके दस्ते मुबारक पर कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए। गौर करिए सुन्नी मुसलमानों, आका के चाहने वाले हो, गौस आजम के गुलाम हो, गौस आजम की तालीम अपने दिल में बसा लेना, नक्श कर लेना। गैर फ्रीके के लोग आपके पीछे नजर आते होंगे, नजर आएंगे, कोई गैर फ्रीके का लोग आपसे टक्कर नहीं लेगा। और जब गौस आजम की तालीम अपने अंदर बसा लोगे तो यहाँ भी कामयाबी मिलेगी, कल मैदान में सही मिलेगी। मेरा आका हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाद फरमा रहे हैं, यानी गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तारीफ दे रहे हैं। एक राहिब आया हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, गौर करिए सुनिए मुसलमानों, जुमले का गौर करिए, मेरे आका हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तारीफ दे रहे हैं। एक राहिब आया हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नूरानी तौबा किया और मुसलमान हो गए, और ये मुसलमान इरादा कर लिया कि यमन में जो सबसे ज्यादा परहेजगार होगा उसी के हाथ पर मुसलमान हो जाऊंगा। अपने ये भी सोच रहा था, उसकी उसे नींद आ जाती है। हजरत सैयदना ईसा अलैहि सलाम ख्वाब में आए और फरमाया सनामे बगदाद चले जाओ, सनामे बगदाद चले जाओ, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पर मुसलमान हो जाना। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।